राजनीति हर पल बदलती रहती है। जीत हार के इस खेल में सत्ता में बैठे दल को भी विपक्ष में बैठना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा की सीट का भी है। एक ओर जहां कुछ सीट चुनाव दर चुनाव अपना मिजाज बदलती रहती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो एक ही दल का गढ़ बनकर रह गई हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है वे सीटें और उनका इतिहास। गुना सीट, मध्य प्रदेश की गुना सीट कांग्रेस का अभेद किला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से 4 बार जीते। इससे पहले उनके पिता दिवंगत माधव राव सिंधिया यहां से कांग्रेस के सांसद रहे। 2014 की मोदी लहर में भी कांग्रेस की झोली में गई सीट। छिंदवाड़ा सीट, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कांग्रेस की परंपरागत सीट। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस सीट से 9 बार जीते। इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और भाजपा के नत्थन शाह के बीच मुकाबला। कमलनाथ 1980 से इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। विदिशा सीट, मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा। इस सीट से अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज जीते। इस बार कांग्रेस के शैलेश पटेल प्रत्याशी हैं, लेकिन भाजपा का अब तक प्रत्याशी तय नहीं। भोपाल सीट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 8 चुनाव भाजपा जीती। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, 1 बार उमा भारती जीती। इस बार कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, जबकि भाजपा का प्रत्याशी अब तक तय नहीं है। इंदौर सीट, मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पिछले 8 चुनाव से कांग्रेस जीत नहीं पाई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन यहां से लगातार 8 बार जीती। पिछले चुनाव में महाजन ने कांग्रेस प्रत्याशी को 4,66,000 मतों से शिकस्त दी। राजनीतिक नजरिए से भी ये शहर बेहद खास है। भिंड सीट, मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट बीजेपी के मजबूत किले में से एक है। इस सीट पर पिछले 8 चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट पर कभी विजय राजे सिंधिया चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस अब तक सिर्फ 3 बार ही जीत हासिल कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।